आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद ब्लॉक भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत बहेड़ी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर है तो वहीं ब्लॉक से मात्र 10 किलोमीटर है। 4000 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती सोना सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। बताते चलें कि आजादी के बाद पहली बार शिक्षित हिंदू महिला गांव की प्रधान बनी है। आइए जानते हैं 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह सजाया है, सुनिए प्रधानपति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के बहेड़ी ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में यहाँ दिए हैं अब तक? हमने अपने गाँव में काफी विकास कराए हैं। सबसे पहले तो हमने अपने गांव में रास्तों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी। तो हमने लगभग गांव में 75% रास्ते लगभग कंप्लीट हो गए, पक्के करा दिए हैं जी। और लगभग 25% रह गए हैं जी, तो वो भी हो सकता है हम इस साल में, अभी 1 साल बाकी है उसमें आप करवा देंगे। और पहले बहुत बुरी हालत थी हमारे गांव में रास्तों की जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कोई भी 4-व्हीलर वगैरह अंदर गाँव में नहीं पहुँच पाता था। अब बहुत बढ़िया है और सब रास्ते हमने बिल्कुल 2 मंजिल पर। शौचालय से ये गांव ODF हो गया पूरी तरह से? हाँ, शौचालय से पूरी तरह ODF है, कंप्लीट हो चुका है। लगभग हमने 250 शौचालय कंप्लीट तैयार करा दिए। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? हाँ, हमारे यहाँ लगभग 18 प्रधानमंत्री आवास जो कंप्लीट हो गए हैं और 7 लोहिया आवास हमारे द्वारा बनवाए गए, वो बाकी सब कंप्लीट। यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितने लोगों को मिल पाता है पूरी तरह? जैसे कि सौभाग्यवती योजना जो सरकार ने चलाई थी, मुफ्त में बिजली कनेक्शन की योजना चली है, क्या वो उन सबका लाभ यहाँ गाँव में सब लोग ले पाए हैं? हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑथराइज, मतलब जिनका सर्वे हुआ है और सर्वे के अनुसार उनका नाम, जो मानक पात्र हैं, मतलब पात्र हैं, उनको सभी को मिला, उनको मिला है जो नियम अनुसार पात्र पाए गए हैं। बाकी जो प्रधानमंत्री द्वारा लाइट के कनेक्शन दिए गए हैं, पहले देखो लोग लाइट नहीं जला पाते थे, आज पूरे गांव में सभी लाइट जला रहे हैं और बहुत बढ़िया लाइट भी ठीक ठाक आ रही है। लगभग 15-18 लाइट आ रही है और स्कूल पे हमने आंगनवाड़ी केंद्र हैं हमारे यहाँ 3-4 गांव में, 2 मंजिलों में अलग हैं और स्कूल में टाइल्स वगैरह, वॉल पेंटिंग सब कंप्लीट है, शौचालय वगैरह सब कंप्लीट करा रखा है और बाकी काम चल रहा है तीनों स्कूलों पे। फर्नीचर की व्यवस्था भी हो गई है जूनियर प्राइमरी में, बाकी दोनों जगह हो रही है मंजरों में भी। एक फतेहपुर मंजरा पड़ता है, एक सीतापुर पड़ता है, वहाँ भी दोनों जगह अभी फर्नीचर। बारात घर है ग्राम पंचायत? नहीं, बारात घर नहीं है हमारे यहाँ पे, उसकी जरूरत है, कोई व्यवस्था नहीं है, लोग दूर जाना पड़ता है। ग्राम समाज की जगह मौजूद है गांव में? हाँ, ग्राम समाज की जगह है मौजूद, अगर बारात घर हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक बारात घर की व्यवस्था हो करा दी। पंचायत घर है? पंचायत घर नहीं है, पंचायत। इतनी बड़ी मतलब ग्राम पंचायत है, 4000 वोटों की ग्राम पंचायत है आपने बताया, इसमें पंचायत भवन अब तक नहीं बना? नहीं, पंचायत भवन नहीं बन पाया अभी तक, इसके लिए कभी कोशिश नहीं की होगी। हमने प्रस्ताव रखा, हाँ पीछे हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल पाया था। तो आप जो गांव वालों के साथ या किसी अधिकारी जो गाँव में आते हैं कभी, तो उनके साथ बैठक या जो अपना सभा आप करते हैं वो कहाँ पर करते हैं आप? स्कूल में करते हैं, प्राइमरी स्कूल में, स्कूल में ही मीटिंग करते हैं, बराबर सब वहीं व्यवस्था करा लेते हैं, टेंट वेंट लगा के आराम से कुर्सी वगैरह मंगा के वहीं करा लेते हैं। शमशान घाट कब्रिस्तान है यहाँ पर? हाँ, कब्रिस्तान भी है, बाउंड्री वाल है, शमशान भी है यहीं पास में, शमशान भी बना हुआ है कम्प्लीट। अस्पताल? एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें स्टाफ नहीं है इस समय, स्टाफ यही सबसे बड़ी मेन समस्या हमारे यहाँ हॉस्पिटल की है जी। अगर उसमें स्टाफ की व्यवस्था हो जाए, अगर रेगुलर स्टाफ बैठने लगे तो काफ़ी हद तक जो गांव के लोग हैं, स्टाफ है नहीं या रेगुलर बैठते नहीं स्टाफ। एक ANM थी वो पिछले टाइम में रिटायर हो चुकी हैं जी, अब एक नई आई हैं वो भी रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, वो आती नहीं है, अभी शायद मुझसे मिली भी नहीं है। अच्छा, जो नई आई हैं। आपने कभी कोशिश की इस बात को? हाँ, जब वो बंद रहता है, बंद ही रहता है, मतलब जब भी आप उस पर देखते हैं वो बंद ही रहता है, कोई नियमित रूप से वहाँ डॉक्टर वगैरह नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता, और वो हम चाहते हैं कि वहाँ रेगुलर खुले और स्टाफ भी बैठे आए मैडम, तो बहुत हद तक काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लेडीज़ हैं, महिलाएं। यहाँ से अस्पताल वैसे कितनी दूर है, अगर उस स्वास्थ्य केंद्र से हटकर आप कहीं जाते हैं तो कितना? फिर तो ब्लॉक लेवल पे मिलता है तो भोजपुर है जी स्वास्थ्य केंद्र, या फिर काशीपुर मुरादाबाद जाना पड़ता है, तो कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, मुरादाबाद पड़ता है 30 किलोमीटर, काशीपुर 25। अब अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे?
प्रमुख मांग यही रखेंगे कि एक तो हमारे यहाँ पे ये हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए, स्टाफ यहाँ पर स्टाफ का प्रबंध, और एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये हमारे यहाँ रेलवे लाइन निकलती है बराबर से, काशीपुर मुरादाबाद के बीच में रोशनपुर रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लगभग 10,000 लोग यहाँ डेली अप डाउन करते हैं, तो एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो जाए यहाँ पर आस पास तो बहुत अच्छा होगा, गाँव से बच्चों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, उसमें दिक्कत होती है, तो एक बारात घर के लिए भी, पंचायत घर के लिए आप काम करना चाहिए, एक पंचायत घर हो बनना चाहिए हमारे गांव में, और एक बारात घर की व्यवस्था हो जाए। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे कि शौचालयों से ये गांव ODF हो गया है, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए गए हैं, सड़कें 75% रास्ते यहाँ प्रधान द्वारा बिल्कुल सही कर दिए गए हैं, पक्के कर दिए गए हैं, कुछ रास्ते जो 25% बाकी बचे हैं इनका मानना है, और ये आगे एक वर्ष जो अभी इनके कार्यकाल का बाकी बचा है उसमें ये पूरा करवाएंगे, हमें भी उम्मीद है। इसके साथ ही आप अगर समस्याओं की तरफ नज़र डालते हैं तो गांव की प्रमुख समस्या यहां पर नज़र आई है अस्पताल की, स्वास्थ्य केंद्र की, जो कि उप स्वास्थ्य केंद्र यहां बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल वही समस्या जो आसपास के गांवों में हमने देखी है, यहां डॉक्टर्स का अभाव है, जो डॉक्टर्स नियुक्त हैं वो रेगुलर आते नहीं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अस्पताल यहाँ से काफ़ी दूरी पर है जो मरीज़ों को चलकर जाना पड़ता है। इसके अलावा बारात घर और पंचायत घर को लेकर भी ये मांग करते हैं, 4,000 वोटों की ये ग्राम पंचायत है जिसमें कोई बारात घर और कोई पंचायत घर अभी तक निर्मित नहीं है, जिसके लिए ये मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन 24 से, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो मौजूदा राशन डीलर हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि प्रधान द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं वो कहाँ तक जाहिर होते हैं। जी आपका नाम सर? मेरा नाम सलीम अहमद है। जी सलीम अहमद जी, यहाँ पर प्रधान द्वारा बताया गया है कि काफ़ी विकास करवाया गया है, हमने यहाँ जाना है और देखा भी है, तो उसमें कहाँ तक की सत्य, मतलब कहाँ तक सत्यता है वो आप? सच्चाई है ये जी, आज तक कोई भी जितने भी प्रधान बने हमारे यहाँ जी, इतना विकास किसी ने नहीं करा जी, जितना इन्होंने करा, मतलब काफी इनकी प्रधानी के कार्यकाल में काफी विकास यहाँ का, बहुत विकास, सारा विकास हुआ है जी, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है इनके काम, बिल्कुल सारे सहमत। और कुछ आप कहना चाहेंगे? और जब से ये प्रधान बने, पढ़े लिखे प्रधान है जी, और तुम्हें बात बताई जा, इतना विकास किसी प्रधान ने नहीं करा है जितना इन्होंने विकास करा है, काफी खुश यहाँ की, हाँ, की जनता खुश लगती है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल